इससे पहले के चैप्टर अगर किसी को पढ़ने हैं तो आज से नहीं, परसों से, ठीक है भैया? 6 से 7 में एक बैच होगा जिसमें आपके फर्स्ट टर्म के चैप्टर कराए जाएंगे, जिसमें मेन मेन टॉपिक कराऊंगा केवल मैं, जिसने बच्चे ने कुछ नहीं किया, ठीक है? 6 से 7 में कराऊंगा, बाद में वो 6 7 वाला बैच 10 15 दिन बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा करा चुका हूँ 10 15 दिन में फर्स्ट टर्म के सारा, ठीक है? बोलिए मत भाई, देखिए कमेंट मत कीजिएगा प्लीज, वरना मेरे को गुस्सा भी आ जाता है, पता ना आपको, ठीक है? तो मेरी बात सुनिए, सेकंड बुक का पहला चैप्टर है सॉलिड, ठीक है? इसमें हम सारा का सारा जो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें हर जगह पर क्या रहेगा आपका, सॉलिड रहेगा, ठीक है? और आप सबको पता है भैया, यहां पर आप जितनी स्टेट को, वैसे तो न जाने कितनी स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, आइंस्टाइन, बोस, कंडेंसेशन स्टेट, ना जाने कितनी स्टेट्स है, लेकिन अभी आप यहाँ पे केवल क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो, क्या गलत बोल दिया क्या मैंने कुछ? ठीक है, 52 स्टेट होती है कुल, 52 स्टेट, 52 स्टेट होती है मैटर की इस ब्रह्मांड में। अभी जितनी नॉन है, नॉन नॉन स्टेट है, उसमें 52 स्टेट है आपकी, ठीक है? 52 स्टेट है। आपको जो पढ़ना है वो केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ते हो, ठीक है, आमतौर पर जो आपको दिखती है, ठीक है भैया? और यहां पर जो आप पढ़ोगे केवल सॉलिड के बारे में पढ़ोगे। सॉलिड क्या होता है तो आप सबको बता दूं कि सॉलिड एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स क्या होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन क्या होता है भैया, बहुत कम होता है, और हर एक एटम या मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन, मीन क्या होता है पता आपको, मतलब जिसके अलोंग वो वाइब्रेट करे, ठीक है? ये आगे गया फिर पीछे आया, फिर आगे गया फिर पीछे गया, फिर आगे गया, तो इसे क्या कहते हैं भैया, मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसे? तो इसी मीन पोजीशन के अलोंग में क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है? ऐसा लिक्विड और गैस के अंदर नहीं होता। किसी भी लिक्विड और गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल या एटम होते हैं वो सब फ्लो करते रहते हैं, उनकी कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं होती। लेकिन सॉलिड के अंदर जितने भी एटम या मॉलिक्यूल होंगे सबकी एक डेफिनेट पोजीशन होगी, और उस पोजीशन के हम कहते हैं मीन पोजीशन, और इस मीन पोजीशन के अक्रॉस में ये क्या होते हैं भैया, लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं। समझ में बात नहीं? सॉलिड है, ठीक है? जेली, जेली जो आएगी आपकी वो सॉलिड में आएगी, ठीक है भैया? और वो ठीक है। अब देखिए भैया भाई प्लीज देखिए, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भैया? उसमें सबसे पहला एक टर्म आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या आता है भैया? होता क्या, हर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है? और सबको जोड़ने वाला एक फोर्स जिम्मेदार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर हर एक मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, जोड़ के रखता है, बांध के रखता है, सॉलिड को उसके स्ट्रक्चर में बना के रखता है, ठीक है? इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और मॉलिक्यूलर फोर्स केवल सॉलिड के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, इसकी वजह से सॉलिड अपनी स्टेट को चेंज, मतलब अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकता, अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात, ठीक है? तो सॉलिड क्या होता है भैया, जिसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कॉम्पैक्टली मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्टली मतलब क्या होता है भैया, बहुत पास पास में एकदम चिपक के, ठीक है भैया? तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, सॉलिड कहते हैं। गैस के, गैस अगर मैं लिक्विड पे आता हूं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल कंपेरेटिवली क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। और गैस की बात करता हूं तो भैया गैस के अंदर तो भैया कोई डेफिनेट पोजीशन होती ही नहीं है, ठीक भैया? कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं होती, सब इधर से उधर फ्लो कर सकते हैं। गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल लगातार एक जगह से दूसरे जगह पर फ्लो करते हैं, इसलिए दोनों को हम क्या कहते हैं, फ्लूड। क्या कहते हैं भैया? ठीक है, गैस और लिक्विड दोनों को ही हम फ्लूड कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी को ही फ्लूड कहा जाता है, विच कैन फ्लो उसे क्या कहते हैं भैया, कहते क्या कहते हैं, फ्लूड कहते हैं। तो लिक्विड और गैस हम दोनों को फ्लूड कहते हैं। तो भैया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम है भैया सॉलिड। क्या है? सॉलिड, चैप्टर नंबर 9, सेकेंड बुक। ये ध्यान रखिए भैया,
इसकी वेटेज रहेगी 80% सेकेंड टर्म में इस बुक की, ठीक भैया, और बाकी 20% जो रहेगा आपका फर्स्ट बुक रहेगी। दोबारा से फर्स्ट बुक 20% आएगी सेकेंड टर्म में, ठीक है भैया। यह थर्ड टर्म का सिलेबस है, ठीक है भैया। अरे मतलब हमारे टाइम में थर्ड टर्म, तीन टर्म होते थे हमारे टाइम में, आपको पता नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ठीक है, तीन टर्म होते थे। पापा से पूछ, सब बताएंगे, ठीक है भैया। ओए तो लिखी भैया सॉलिड, फटाफट बेटा लिखिए, सटा फटाफट सटासट, अब तो लिखना ही लिखना है, बता रहा हूं मैं। अब बेटा प्रॉपर नोट्स बनाना, पहले बता रहा हूं, इस बार नोट्स भेज दिए मैंने मांग मांग के, भिख मंगो की तरह सबसे मांग रहा था, भाई तेरे पे नोट्स पढ़े पिछले साल के, इस बार नहीं मिलेंगे, इस बार ही सबको क्लास में नोट्स के नाते मारूंगा क्लास में। लिखिए भैया, लिखे सॉलिड, हाँ सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिखिए, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड में लिखिए, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द एटम और मॉलिक्यूल्स, द एटम और मॉलिक्यूल्स, द एटम और मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली अरेंज, इन विच द एटम और मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है। देखिए कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, लिखिए भैया रिजिड बॉडी, अगला डालिए भैया रिजिड बॉडी, रिजिड आर आई जी आई डी, रिजिड बॉडी होती क्या, किसी को पता है कोई आइडिया, ऐसी बॉडी भाई प्लीज, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप कितना भी फोर्स लगा लो लेकिन वो बॉडी अपनी स्टेट चेंज, अपने अंदर के एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन है उसको चेंज, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, रिजिड बॉडी। लिखिए भैया अ बॉडी, अभी आ रहा हूं, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड, आगे लिख लो प्यारी सी लैंग्वेज में, जिसके एटम और मॉलिक्यूल, अरे भाई ये सब पता होना चाहिए, लिखने को कभी नहीं आता, लिखो अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड जिसके एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो, जिसके एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं किया जा सके, नहीं, एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं किया जा सके, एट एनी एक्सटर्नल फोर्स, एट एनी किसी भी एक्सटर्नल फोर्स पे, एट एनी एक्सटर्नल फोर्स। एक बात और ध्यान रखना भैया कि जिसको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आए वो पूछ ले, मैं बताऊंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एट एनी फोर्स, एट एनी एक्सटर्नल फोर्स। देखिए भैया इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं जो परफेक्टली रिजिड हो, आप किसी भी बॉडी के ऊपर चाहे कितनी भी सॉलिड हो, कितनी भी सॉलिड हो, आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसके एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन चेंज होगा ही होगा, किसी में ज्यादा होता है और किसी में कम होता है। अबे रुक जा यार मेरे भाई, तो लिखिए इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ, भाई एक बात बता दे रहा हूं कि भाई बोलना मत,
अभी एट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बस ठीक है आगे लिखो, इन प्रैक्टिकल लाइफ नो वन इज रिजिड बॉडी इन प्रैक्टिकल लाइफ नो वन इज रिजिड बॉडी, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी बॉडी क्या है रिजिड नहीं है। आप कोई भी बॉडी देख लो ब्लैक होल को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि ब्लैक होल का तो कोई हमारे लेवल पे तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि भैया इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं जो रिजिड हो। ठीक है भैया, देखिए फर्स्ट टर्म में मैंने कुछ नहीं कहा आपको, ठीक है, आप लोग पीछे से बोलते रहे, मैंने इग्नोर किया, कई बार इग्नोर किया, अभी मेरे पास टाइम भी है तो मैं इस माइक को उतार कर और वहां पर ठोकने में आने में टाइम नहीं लगाऊंगा, और मैं आगे भाई मैं नहीं, आप क्यों ले रहे हो अपने अंदर तीर, मैं कह रहा हूँ नॉर्मली देखो भैया बात मत करो, जब तक पढ़ाई हो रही है पढ़ाई होने दो, ठीक है समझ गए भैया, ठीक है भैया, इस ब्रह्मांड में कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब क्या होता है भैया, जिसके एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन चेंज, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, समझ गए भैया, आगे लिखिए भैया, अरे कोई भी बॉडी रिजिड ही नहीं, लिखिए भैया इलास्टिसिटी, अगली टर्म लिखिए इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी लिखू क्या, इलास्टिसिटी होता क्या भैया, इलास्टिसिटी देखिए भैया, ये इलास्टिक आपने वो देखा होगा, यो एड में देखा होगा, फुली इलास्टिक क्या कह रहे हो उसे, हाँ मतलब फुली इलास्टिक फैंटास्टिक ऐसे कुछ करके कोई है, वो एक्चुअल इलास्टिसिटी मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, ये मैं सोच रहा हूँ इलास्टिसिटी मतलब होता है खींचना, इसका मीनिंग नहीं होता, इलास्टिसिटी मतलब होता है कि किसी चीज को अगर आप खींचो तो उसकी शेप क्या होती है भैया, चेंज हो जाती है, लेकिन छोड़ोगे तो फिर दोबारा से वैसी हो जाती है। ओए किसी भी चीज पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी अपनी शेप और साइज को क्या करती है, चेंज कर देती है, ठीक है भैया, ये इलास्टिसिटी नहीं है, लेकिन जब आप छोड़ोगे फोर्स हटाओगे तो बॉडी फिर दोबारा से क्या करती है, वैसी हो जाती है, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी अपने स्ट्रक्चर को क्या करती है, चेंज कर लेती है, इसको इलास्टिसिटी नहीं कहते, लेकिन जब आप छोड़ोगे तो बॉडी दोबारा से अपने स्ट्रक्चर को क्या करती है, वैसा ही कर लेती जैसा वो पहले थी। भाई बॉडी की प्रॉपर्टी खुद को रीगेन करने की, खुद को रीगेन मतलब वैसा ही कर लेना जैसे पहले, ठीक है, जैसा वो पहले थी अगर वैसे ही हो जाती है तो बॉडी क्या कहलाती है, इलास्टिक, नहीं तो वो इलास्टिक नहीं है। एक रबड़ जो होती है उसको खींचोगे तो अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगी, लेकिन जब छोड़ोगे तो दोबारा से वैसी शेप की हो जाएगी, तो यानी रबड़ क्या है, इलास्टिक है। एक रबड़ की स्टील की जो रॉड होती है उसको टेढ़ा करो दोबारा छोड़ो दोबारा से वैसी होगी, यानी इसने भी अपनी शेप को रिगेन कर लिया। अब फुट्टा देखा स्केल स्टील वाला, तो वो भी अपनी शेप को रिगेन कर लेता है, वो भी क्या है, इलास्टिक है। लेकिन आपका देखिए आपके एल्यूमिनियम को आप टेढ़ा करोगे तो क्या होता है, टेढ़ी हो जाती है, वो अपनी शेप को रिगेन, यानी वो इलास्टिक, समझ गए। ये पुट्टी वगैरह जो होती है, जो दीवार में पुट्टी लगाई जाती है, ऐसे कर दो वैसी हो जाएगी, ऐसे कर दो वैसी हो जाएगी, जिस शेप में डालना चाहो वैसी हो जाती है। मट्टी देखिए मट्टी, गोबर देखा गोबर में पैर रख दो, गोबर पहले पूरा भरपूर बना रहता है, जैसे ही पैर रखोगे क्या होता है, फैल जाता है ना, फैल जाता है, वो अपनी शेप को रिगेन नहीं करता, यानी गोबर इलास्टिक नहीं है, पुट्टी इलास्टिक नहीं है, एल्यूमिनियम की रोड इलास्टिक नहीं है, रबड़ स्टील की रोड, जो चीज अपने आप को रिगेन कर ले वो इलास्टिक नहीं तो इन इलास्टिक कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं भैया, जो रिगेन ना करता उसको क्या कहते हैं, तो लिखिए भैया इलास्टिसिटी, बोल दिए भैया। स्टील का फुट्टा देखा आपने, स्टील का स्केल को, ओए भाई प्लीज, तो अरे भाई ठीक है, स्केल को आपने देखा स्टील का स्केल, उसको टेढ़ा करोगे दोबारा से सीधा हो जाता ना, तो ये नहीं हो इलास्टिक है, ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो क्या होता, वो इलास्टिक नहीं है। तो लिखिए भैया, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज द प्रॉपर्टी
इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू, वी आई आर टी यू, वर्च्यू मतलब गुण होता है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ, आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स. दोबारा से इस डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं. ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती, किसी भी मटेरियल की क्या होती भैया प्रॉपर्टी, इसके हिसाब से क्या होता भैया, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और फिर हटाओ तो बॉडी क्या करती है, अपने आप को रिगेन कर लेती है. बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, इलास्टिसिटी. बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, समझिए भैया क्या होता है इलास्टिसिटी. नितिन, मटेरियल की प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी रिगेन कर, समझिए भैया, रिगेन इट शेप एंड साइज. एग्जाम्पल में लिखिए, रबर, स्टील रोड. अरे भैया सुन ले मेरी बात सुन ले, पहली बात तो तू इसको टेढ़ी नहीं कर पाएगा हाथ से, ठीक है, तेरे बस की नहीं है. और दूसरी बात मेरी बात सुन ले, ए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. आपने देखा होगा जो भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रिज वगैरह जो भी होते हैं, उसमें स्टील का इस्तेमाल किया जाता है. एल्यूमिनियम का क्यों नहीं किया जाता, रीजन होता है क्योंकि बार बार जो ब्रिज वगैरह होते हैं उसमें बार बार गाड़ी चलती है, और गाड़ी चलेगी तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स. और फोर्स लगता है, फोर्स क्या होता है भैया, फोर्स चीजों को, स्ट्रक्चर को चेंज करता है. बताया था इंटरमोलिकुलर जो उनके बीच में सेपरेशन होता है उसको चेंज करता है. अगर हमने एल्युमिनियम का ब्रिज बना दिया तो बार बार फोर्स लगने की वजह से वो जल्दी से क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होती है, ये चीजें खराब होती है. आपने देखा होगा कि जो वो भगोना नहीं होता जिसमें खाना बनता है, ठीक है, एक एल्युमिनियम का भगोना देखना और एक स्टील का भगोना देखना. एल्युमिनियम के भगोने में, ध्यान दीजिए भैया, एल्युमिनियम के भगोने में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े बने होते हैं, बहुत सारे गड्ढे उड्ढे होते हैं, शेप बिगड़ी होती है. लेकिन स्टील के भगोने में आपको नहीं देखने को मिलता. क्या आप स्टील के भगोने को बड़े, अभी रैप्टा ही मारूंगा तो तू नहीं सीधा हो पाएगा इस रैप्टे में. यार इसको संतोष सिखाता क्यों नहीं कुछ, तू जानवर हो गया एक बेवकूफ कहीं का. चल अब मत बोली भाई प्लीज यार, क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हैं यार, अच्छा लगता है क्या, बाद में बोल कोई दिक्कत नहीं, बाद में मेरे सर पर चढ़ लियो कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है. ओए सुन लो, तो भैया आपने देखा होगा एल्युमिनियम के भगोने में बहुत सारे पैचेस होते हैं, ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा हर जगह होता, नहीं होता. लेकिन स्टील के भगोने में ऐसा नहीं होता. क्या स्टील के भगोने को हम बड़े संभाल के रखते हैं, नहीं, वैसे ही दोनों को ट्रीट करते हैं. लेकिन दिक्कत क्या होती है, एल्युमिनियम अपने आप को रिगेन नहीं कर पाता, फोर्स लगाए वैसे ही टेढ़ा हो गया वहीं पे. लेकिन स्टील अपने आप को रिगेन कर लेता है, इसलिए थोड़ा बहुत चेंज आता है, तुरंत क्या करता है अपने आप को, समझ गया. तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी. तो मैं बोलूंगा विच वन इज मोर इलास्टिक, स्टील और एल्युमिनियम, स्टील इज मोर इलास्टिक. क्यों, क्योंकि हमें दिखता भी है फोर्स लगाने पे अपने आप को रिगेन कर लेता है. आप स्टील का फट्टा बनवाओ, एल्युमिनियम का फट्टा बनवाओ, तो दोनों पे सेम फोर्स लगाओ, आप देखोगे एल्युमिनियम क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन स्टील टेढ़ा नहीं होगा. इसीलिए जो स्केल होते हैं वो एल्युमिनियम के नहीं स्टील के बनाए जाते, समझ गया, हो गया. लिखिए भैया, लिखिए डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स. अब ये देखिए गाना बज रहा है, पता ही है, मजबूर मत कर यार बेकार में यार, संतोष अच्छे लगता. मैं सीरियस होऊंगा ना, सही बता रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा फिर, इसलिए कह रहा मत कर, बस यही बता, पूछ लियो मैं किस कैसा मारता हूँ, फिर मैं देखूंगा नहीं कहाँ लग रही है, इसलिए भाई प्लीज मत कर, ठीक है, किस बारी वाले से पूछ लियो,
अरे चांटे भरे ना मैंने धरने के, बच्चा जो वाला बहुत बोलता था ना, उससे जबानी निकलती, क्वेश्चन पे भी आंसर नहीं देता वो। मत करे यार ऐसे, मत करे यार संतोष भाई देखे। अरे छोड़ बंद कर, अरे बस नो कमेंट, नो कमेंट, बस छोड़। डिफॉर्मिंग मतलब क्या होता है भैया? अरे डिफॉर्मिंग मतलब क्या होता है? डी मतलब क्या होता है? तोड़ना। और फॉर्मिंग को, फॉर्मिंग मतलब तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को तोड़ना, शेप को चेंज करना। फॉर्मिंग मतलब होता है कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और उसको डिफॉर्म करना। क्या करना? फॉर्मेशन को डिफॉर्म करना, तोड़ना, डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। जो भी फोर्स आप किसी भी चीज पे लगाते हो और उस फोर्स की वजह से बॉडी अपने स्ट्रक्चर को क्या करती है? चेंज कर लेती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। जो भी फोर्स किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर देती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए भैया, द फोर्स विच चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, द फोर्स विच चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, द फोर्स विच चेंज द फोर्स विच चेंज द विच चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, shape and size of the body is known as deforming force, is known as deforming force. मैंने स्केल पे फोर्स लगाया और उसकी वजह से वो टेढ़ा हो गया, तो कौन सा फोर्स? क्या कौन सा फोर्स है ये? डिफॉर्मिंग फोर्स, जो बॉडी की शेप और साइज को क्या करे? चेंज करे। लिखिए भैया रिफॉर्मिंग फोर्स, आगे लिखिए रिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स। रिफॉर्मिंग फोर्स, रिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स, नाम अनेक लेकिन चीज क्या है? रिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है भैया, एक ही है, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। होता क्या भैया, आप जब किसी बॉडी के स्ट्रक्चर को खराब करते हो, आप देखो रबड़ को जब आप खींचते हो किस फोर्स से खींच रहे हो आप? डिफॉर्मिंग। रबड़ को जब आप खींच रहे हो तो किस फोर्स से खींच रहे हो? लेकिन रबड़ भी अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, कौन सा फोर्स? रिफॉर्मिंग। स्टील के फुट्टे में जब आप टेढ़ा करते हो तो कौन सा फोर्स है? लेकिन स्टील का फुट्टा भी उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, उसे कहते हैं, समझ गए? तो हर इलास्टिक बॉडी, बोल भाई बोल, चिंगम, देख भाई ओए, मैंने एक वर्ड ऊपर लिखवा रखा है इलास्टिसिटी। जो बॉडी इलास्टिक होती है केवल वही रिफॉर्मिंग फोर्स लगा पाती है, हर बॉडी रिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगा सकती। चिंगम जो आपका है वो चिंगम इन इलास्टिक बॉडी होता है, आप चिंगम को खींच दोगे तो वैसे ही पड़ा रहता है, वो इन इलास्टिक बॉडी है। मतलब वो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पा रहा, मतलब वो फोर्स आ ही नहीं रहा जो उसकी शेप को रीगेन कराए, यानी इनमें से दोनों में से कोई फोर्स नहीं आ रहा। इसलिए चिंगम क्या होती है भैया? जैसे मर्जी जैसे कर दो वैसी पड़ी रहती है, ठीक है भैया। तो चिंगम इज इन इलास्टिक बॉडी और किसी भी इन इलास्टिक बॉडी के अंदर रिफॉर्मिंग फोर्स नहीं आता, समझ गया? स्टील के अंदर आएगा क्योंकि वो इलास्टिक बॉडी है, रबड़ के अंदर आएगा क्योंकि वो भी इलास्टिक बॉडी है, लेकिन पुट्टी के अंदर, मट्टी के अंदर, समझ गया भैया, समझ गया? तो जब भी रिफॉर्मिंग फोर्स की बात करूंगा तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि बॉडी क्या है? इलास्टिक है। स्प्रिंग अपने आप, स्प्रिंग लगाते हो आप, स्प्रिंग को बाहर खींचो, स्प्रिंग भी आपको अंदर खींचती है, यानी स्प्रिंग अपने आप को रिस्टोर करने के लिए फोर्स लगा रही है, यानी स्प्रिंग भी क्या आपकी? इलास्टिक, समझ गया? हाँ, हमेशा एक साथ इलास्टिक बॉडी के ऊपर, जो बॉडी इलास्टिक होती है, रबड़ के ऊपर लगा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा तो वो भी अंदर की तरफ लगाएगी उसी व्यक्ति, दोनों एक साथ लग रहे हैं। स्टील को टेढ़ा कर, स्टील भी उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, यानी दोनों एक साथ लगते हैं, ठीक है। तो लिखिए भैया, द फोर्स विच रीस्टोर दी, द फोर्स विच रीस्टोर दी, द फोर्स विच रीस्टोर दी, कौन है? फोन फेंक दे यार, आजा फोन, तू दे दे छोड़, नहीं जा रहा, फेंक दे दे, मंतोष फोन फेंक दे, फोन दे दे दे, अरे मेरे को कैच करना आता भाई,
अरे हाँ लो, अरे देखा दे दे, हाँ हाँ दे दे यार तू दे दे, अरे तू दे यार तू दे, अब दे, डर क्यों रहा तू, मैं दूंगा पैसे, मैं दूंगा, हाँ मैं दूंगा, टाइम मत करा, हल्के में ले रहा है क्या, बारी के बाद पूरे दिन दिन एक तीन चार महीने तक पूरे दिन पुस्तक के पीछे था, बैट बॉल खेलता था। ओए अब ओए यार विकास यार, एक सिंसियर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देख मुझे 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 कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ दिक्कत और दिन भी जाता ना, अगर अगर पर, अब की बार ना तू रोएगा मेरे आगे ना कि पापा के आगे बचा लो मुझे भैया, तुझे लतियाऊंगा मैं अलग से, अभी बता रहा हूँ तेरे को, मत कर ऐसा, रीस्टोरिंग फोर्स लिखी भैया, लिख लिया, द फोर्स विच रीस्टोर द सिस्टम आफ्टर द रिमूवल ऑफ, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फोर्स विच रीस्टोर द सिस्टम आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, द फोर्स विच रीस्टोर द सिस्टम आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, मैंने कहा भैया वो रिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है भैया, जब सिस्टम के ऊपर से आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लो तो सिस्टम खुद को रिस्टोर कर देता है, वैसे ही कर लेता है, तो जो फोर्स ऐसा करता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। नोट में लिखो, नोट में लिखो, द वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स, कोई भी आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, अरे तू उसे पीछे लिख दियो, द वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग जिसने लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिफॉर्मिंग जिसने लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इज ऑलवेज इक्वल्स टू उसका अपोजिट लिख देना, उसका अपोजिट लिख दो, द वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, कह रहा भैया ये जो आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स या रिफॉर्मिंग फोर्स की बात करता हूं, इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। आपने देखा होगा अगर मैं रबड़ को ज्यादा खींच देता हूं, बाद में आपने रबड़ को ज्यादा खींच दिया होगा तो रबड़ क्या होती है, टूटी जाती है, रबड़ क्या होती है, यानी अगर उस केस में भी रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होता तो रबड़ फिर दोबारा से वैसी जाती, लेकिन बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, सर्टेन लिमिट, लेकिन वहां पर क्या हुआ, मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स बहुत ज्यादा हो गया और रिस्टोरिंग फोर्स उसके बराबर नहीं हो पाया, इस वजह से क्या हुआ भैया, रबड़ अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पाई, आप एक स्केल को कुछ ज्यादा ही मोड़ दोगे तो क्या होता है, टेढ़ा ही हो जाता है, इसका मतलब उस केस में भी डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जब तक दोनों बराबर रहते हैं तब तक बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर पाती है, अन्यथा क्या होती है, बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। ये आपने डेली लाइफ में जितनी भी बातें बताई है मैंने ये सब आपको बताऊंगा, बस आपको ये टर्म्स नहीं बताऊंगी जो मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर, बाकी आप सब ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते ही करते होंगे, ठीक है, ये सारी नॉर्मल बातें, ये चैप्टर भी नॉर्मल है, थोड़ा सा आगे जाके अलग चीज होएगा, ठीक है, समझ गए, हो गया, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। देखिए भैया प्लास्टिक बॉडी, ओ सॉरी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, मैं लिखे ना परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली, आपने देखा होगा आप स्केल पे फोर्स लगाते हो, छोड़ते हो तो स्केल वैसा ही हो जाता है, लेकिन 100% वैसा नहीं हो पाता, एक रबड़ को खींचते हो छोड़ते हो तो रबड़ वैसी हो जाती है, लेकिन वो 100% वैसी नहीं हो पाती, यानी सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी आ ही जाती है फोर्स लगाने पे, लेकिन कुछ ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर आप फोर्स लगाओ छोड़ो तो 100% वैसी हो जाती है, ठीक है भैया, जैसे कि एक मटेरियल आता है जिसका नाम है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज या क्वार्ज, आपने क्वार्ज घड़ी, घड़ी का नाम सुना, क्वार्ज, क्वार्ज की घड़ी होती है, ये क्वार्ज जो घड़ी होती है ये पहले एक HMT या फिर अभी भी जो महंगी महंगी रॉयल घड़ियां होती हैं, ठीक है, रोलेक्स वगैरह की, ठीक है, इनमें अभी भी क्या होता है भैया, यही सिस्टम होता है कि ये सेल से नहीं चलती, इनके अंदर चाबी वाला सिस्टम होता है, तो चाबी वाले सिस्टम में आपने देखो बचपन में गाड़ी देखी होगी जिसको पीछे करते थे तो आगे भागती थी,
है ना, तो उसके अंदर क्या लगता था, स्प्रिंग जैसी लगी होती थी, देखा है, और स्प्रिंग पहले हम पीछे करते तो स्प्रिंग उलझ जाती थी, और आगे छोड़ते थे तो स्प्रिंग खुलती थी, तो गाड़ी क्या होती थी, आगे भाग जाती थी। ठीक है भैया, बिल्कुल सेम यही मैकेनिज्म लगाकर हमने जो घड़ियां होती है ना उनके अंदर भी एक मटेरियल, लेकिन बार बार आप करोगे तो जो स्प्रिंग होती है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है, और एक ऐसा टाइम आता है कि आप पीछे करोगे तो गाड़ी आगे जाएगी नहीं। ठीक है भैया, तो उस कंडीशन में, एक मिनट, उस कंडीशन में आपकी स्प्रिंग क्या होती है, फुली खराब हो जाती है, पूरी खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका नाम होता है क्वार्ज या फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। इसको आप कितना भी यूज करो, कितना भी यूज करो, ये हमेशा अपने आप को क्या करेगी, वैसा ही कर लेती है, यानी ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की कैटेगरी में आ जाती है, मतलब ये बार बार अपने आप को वैसा ही कर लेती है जैसा वो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से पहले थी। समझ में आई बात नहीं, तो लिखिए भैया, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, the body which regain itself completely after the removal of deforming force, after the removal of deforming force, after the removal of, ठीक है, is known as perfectly elastic body, is known as perfectly elastic body. एग्जाम्पल में क्वार्ज QUARTZ क्वार्ज। अरे भैया मैंने भी देखा पढ़ा है, हाँ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज भी लिख देना, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, दूसरा एग्जाम्पल लिख दो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। ये दोनों मटेरियल जो होते हैं वो काफी हद तक परफेक्टली इलास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। हाँ ब्रॉन्ज, अबे ब्रॉन्ज तो नहीं है, ब्रॉन्ज ये तो ना, नहीं ये जो होता है ब्रॉन्ज। ठीक है, सुन लीजिए भैया, अरे नोट में लिखो, इन प्रैक्टिकल लाइफ नो वन बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इन प्रैक्टिकल लाइफ नो वन इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इन प्रैक्टिकल लाइफ नो वन इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इन प्रैक्टिकल लाइफ नो वन इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इस ब्रह्मांड में कभी कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो नहीं सकता। ठीक है, मैंने कहा नियरली, मैंने नियरली बोला है, वर्ड यूज किया, ये दोनों नियरली परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक कोई नहीं होता, 100% कोई ना, मैंने नियरली बोला भाई। अब डेफिनेशन लिखवाइए, जब भी तेरे को परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल देना होगा तो यही तो देगा, लेकिन ये भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, कुछ हद तक इनके अंदर भी क्या होती है, कमी देखी गई। समझ गया, आगे लिखिए, प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक, प्लास्टिक, आप सोचते हो कि भैया प्लास्टिक, वो जो टीन प्लास्टिक कबाड़ी वाला ले आता है वाले वाला प्लास्टिक नहीं है, ये प्लास्टिक का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओ ना तो अपनी शेप को रिगेन ना कर पाए, जो जिस अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे और वो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाती, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, प्लास्टिक बॉडी। देखिए भैया, विच डू नॉट रिगेन इट्स इनिशियल शेप एंड साइज, इनिशियल शेप एंड साइज, विच डू नॉट रिगेन इट्स इनिशियल शेप एंड साइज इज नोन एज प्लास्टिक बॉडी, इज नोन एज प्लास्टिक बॉडी, विच डू नॉट रिगेन इट्स इनिशियल शेप एंड साइज इज नोन एज प्लास्टिक बॉडी। कह रहा भैया वो बॉडी जो अपनी इनिशियल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाती, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, प्लास्टिक, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, after the removal of deforming force, after the removal of deforming force, example में aluminium,
कॉपर कॉपर एक्सेट्रा बेटा। आगे लिखे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। देखिए विच डू नॉट रिगेन इट्स, विच डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, विच डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एट ऑल, विच डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एट ऑल। किसी भी तरीके से बिल्कुल चिन्हक भी अपनी शेप को चेंज रिगेन नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा पुट्टी पे, पुट्टी पे जैसी वो सफेदी करने वाला ब्लेड मारता है, जिस शेप में भी रखना चाहता है वो उसी शेप में हो जाती है, मतलब वो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पा रही। क्ले देखिए, क्ले क्ले को जिस शेप में रखना चाहता है आप उसी में हो जाती है, वो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाती। क्ले विच डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एट ऑल इज नोन एज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, इज नोन एज परफेक्टली। ठीक है, एग्जाम्पल में इसके एग्जाम्पल है हमारे पास। देखिए क्ले क्ले हाँ क्ले क्ले वैक्स मोम 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 को भी जिस स्ट्रक्चर में डालना चाहते हो जाएगा। ठीक है, धूप बत्ती लिख लिया, धूप बत्ती को क्या कहना है इंग्लिश में, अच्छा अगरबत्ती, धूप धूप बत्ती एक्सेट्रा। ठीक है, टूट गया था वो तो, हाँ कपूर भी हो सकता है, कैंपर भी लिख दो, कैंपर कैंपर कपूर। लिखी भैया, देखिए वैसे तो इसके बीच में दो तीन टॉपिक छोटे छोटे ऐसे भी करा सकता हूँ जो उसमें, लेकिन आपको उसका काम नहीं है, मेरी बात सुन ली। चलो अच्छा, मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूँ, उस ग्राफ में आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो ग्राफ पहले बनाऊंगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए कोई चीज अपने आपको रिगेन क्यों करती है, ये सबसे मेन बात ये है, कोई चीज अपने आपको रिगेन क्यों करती है, ओए होता क्या एक्चुअली, रिगेन करने की कंडीशन क्या है। देखिए भाई, जब भी आप किसी भी सिस्टम के ऊपर आप वर्क करते हो, क्या करते हो, फोर्स लगाते हो तो वर्क कर रहे हो, और वर्क करने पर क्या होता है भैया, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी क्या होती है, और हर चीज चाहती है कि मैं अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में रहूं, है ना। अगर मान लीजिए किसी के पास ज्यादा एनर्जी है तो अपनी एनर्जी को क्या करता है, वेस्ट करता, ताकि वो क्या हो जाए, उसकी एनर्जी कम हो जाए और वो स्टेबल स्टेट में आ जाए। जब आप किसी भी चीज के ऊपर, चाहे किसी भी चीज के ऊपर वर्क करते हो, तो उस वर्क की वजह से उसके एनर्जी क्या होती है भैया, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो वो चीज क्या होगी, अनस्टेबल हो जाएगी, पता ना, एनर्जी बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भैया, हायर स्टेट में चले जाते हैं और वो अनस्टेबल हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या करता है, बोर ने कहा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है तो लगातार क्या करता है, एनर्जी को एमिट करना चालू करता है, और वो जब तक एनर्जी एमिट करेगा, जब तक कि वो खुद को क्या करे, स्टेबल ना कर दे। तो जब आप किसी भी चीज पर वर्क करते हो, टेढ़ा करते हो, तो उसमें क्या होता है भैया कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्या होता है, unstable. अब अनस्टेबल चीज तो कोई रह नहीं पाती, तो खुद को स्टेबल करने के लिए दोबारा से क्या करती है, अपनी शेप में आ जाती है, क्योंकि उस शेप में वो क्या थी, अनस्टेबल थी। पुरानी वाली शेप में अगर वो आ जाए तो क्या करती है भैया, वो स्टेबल रहेगी। लेकिन ये जब ही तक होता है जब तक आप उसके औकात के हिसाब से फोर्स लगाते हो। परसों की क्लास में मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, मॉर्निंग में होगी परसों की क्लास, ठीक है भैया, और वो क्लास डेढ़ डेढ़ घंटे की होगी, ठीक है, ऑलमोस्ट संडे है ना, ठीक है, और ऑलमोस्ट